हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शुरुआत हो गई है और आज का ब्लॉग हो रहा है शाम को 5 बजे से शुरू, और शाम के बाद 5 बज चुके हैं। तो मैं दीपा बोरा स्वागत करती हूँ आपका आज के अपने नए ब्लॉग में। क्योंकि आपने पुराना ब्लॉग देखा ही होगा कि मामी ने पहले भी आलू की टिकिया बनाई थी, तो हमने भी सोचा कि हम भी ही मामी से बोले आलू की टिकिया बनाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो काम कर चालू है यहाँ पे, तो हर्षु आलू छील रही है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे हम नान के चटनी पीसती है, अमचूर और सूखा हुआ पुदीना, हरी मिर्च और चीनी डालती हूँ इसमें। तो अभी थोड़ा सा ना ये मोटी है, मुझे थोड़ा सा इसको भी और पीसना है। बड़े बड़े लोग चढ़ाऊ मैया जाना, पीछी जो पड़िया माँ गरीब गरिया जाना, बड़े बड़े लोग मैया नथनी चलाते, बड़े बड़े लोग मैया नथनी। मामी बना रही है आलू की टिक्की की, तो इसलिए उसका मसाला रेडी कर लिया है और सारे मसाले डाल चुकी हैं। तो मामी आपको बताएंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, बताओ। इसमें डाला है सबसे पहले तो आलू, ज़्यादा मसाला कुछ नहीं डालना क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना, तुम लोगों को मिर्च लग जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी हरी मिर्च काट दे रही हूँ, टेस्ट आ जाए जिससे थोड़ा सा, और जिसके पास भी हरी मिर्च आएगी वो निकाल देना देख के खाना, ठीक है। बस इसमें नमक मिर्च हल्दी और धनिया, और हम और मसाले भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। हाँ, टेस्ट के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें, क्योंकि बच्चे खाएंगे ना इसको, इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला है, ठीक है। ठीक है, और हम इसको ना थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आज खुशाग्र मेरा बेटा सब्जी बना रहा है हमारे लिए, आलू टमाटर की भंडारे वाली टेस्टी सी सब्जी। तो गाइस, इसमें जीरा, हींग और तेज पत्ता डाल दिया है कुछ सुने। हाँ ओके, ऐसे करो। की टेस्टी सी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बनाई है हमारे बेटे खुशाग्र बोरा ने। थैंक यू। मामी बना रही है टिक्की, तो जब हम इंडेक्स में बना रहे हैं आज, तो यहाँ पे फ्लेवर गर्म हो चुका है कि डाल चुके हैं यहाँ पे, और ये देखने में बहुत टेस्टी दिख रही हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो मामी ये बहुत बीज नज़र आ रही है, मैं तो चाहती जल्द जल्दी में से खा सकूँ। चटनी चटनी वाली खा लीजिए क्या, चटनी भी बना रखी है ना मामी ने, तो हम आपको ये भी दिखाएंगे आगे के ब्लॉग में। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे इसे खा के हम आपको दिखाएंगे कि कैसे खा के दिखाएंगे कि कितनी टेस्टी हो रही है, कैसी हो रही है टेस्ट में, और आपको थोड़ा खिलाएंगे भी।
वाव इतनी टेस्टी दिख रही है, वाव मन तो कर रहा है बस पकड़ के उठाऊ और खा जाऊ। वाव मन कर रहा है एकदम पकड़ के खा जाऊ। वाव इतनी ज्यादा टेस्टी दिख रही है और अगर देखने में टेस्टी है तो खाने में बहुत टेस्टी होंगी। क्या बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, वाव टेस्टी, बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रही है टिक्की तो, बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और कुछ चार हर तरह से सीखी हुई है और बहुत टेस्टी दिख रही है हर तरह से। ये मीठी और खट्टी चटनी है, वाओ दोनों मिक्स करके है। तो फिर अब हम सब खाएंगे ना तो आपको बताएंगे कैसा फ्लेवर है। और अभी ने हमारी प्लेट्स में डाला जाएगा, चटनी दे देना अलग से इनको कटोरी में ना। टेस्टी हाँ अबू आ गया, वाओ टेस्टी दिख रही है। चलो अब कहीं और जाते हैं। तो ये है मेरी टिक्कियां, वाह। और अभी बहुत कम बताएंगे सब लोग, उसके बाद अकॉर्डिंग लिस्ट देंगे। और वैसे अभी पूरे बने नहीं है और मेरी प्लेट में तो मिल चुका है मुझे, वाह टिक्की बहुत सी और हर्षी की प्लेट है। जो अब ये सारी टिक्कियां निकाल चुकी है मामी और प्लेट पकड़ दी है, अब चलो आ जाओ। ये पूरा खुशबू और खुशबू बहुत ही खुश है। चलो चटनी मत गिराना, वाओ गाइस तुम्हारे साथ वाली चटनी है और ये नमकीन है, ये खट्टी मीठी और नमकीन और ये साथ में दही भी है, मैं थोड़ा दही से ट्राई करूँगी। और ये है वो सब्जी जो खुशबू ने बनाई है, भंडारे वाली आलू टमाटर की सब्जी। और ये है मूली का रायता, अभी टिक्की और बन गई यहाँ पे, साथ में है चाय। तो गाइस हमारी टिक्की बन के तैयार हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी करारी टिक्की बनी है, आवाज़ आ रही है। तो अब इसमें ग्रीन वाली चटनी जो कि खट्टी मीठी है, खट्टी मीठी चटनी जो है वो चटनी अच्छी हो रही होगा, जैसे पिछले रात की वैसी नहीं हो रही है, मेरे हस्बैंड का कहना है। हाँ लग भी रही है मुझे, थोड़ा सा चटनी में थोड़ा कमी हो चुकी है, स्पाइसी हो रही है बिल्कुल, चटपटी थी। और अब एक बाइट हम टेस्ट करेंगे दही के साथ। दही के साथ बहुत टेस्टी हो रही है। और अब एक बाइट और लेंगे हम चाय के साथ। चाय का साथ तो और ज्यादा अच्छी हो रही है, ये बिल्कुल बाजार की तरह सजा दिए हैं मैंने सारे चटनी के साथ, बहुत टेस्टी लग रही है। तो हम इस चीज से ही खाएंगे, तो हम चाहते हैं डिनर और
उसके बाद अभी हम खाना खाके खाना पचाने भी जाएंगे बाहर स्टाइल में। ओके गाइज, आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं। आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल दीपा बोरा ब्लॉग्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।